में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। जहां भी देखो वो लोग नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, लड़ाते नहीं लड़ाते, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, परिवार में भाई भाई से लड़ता है तो परिवार कमजोर होता है मजबूत होता है, कमजोर होता है। तो ये 24 घंटा देश को कमजोर करते रहते हैं। आपने कल वाला मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा? देखा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है। आपको याद है कहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया, ठीक है। अब निकलता क्या है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को हजारों करोड़ रुपए देती है। करेक्ट, कैसे देती है मैं आपको बताता हूं। चार तरीके हैं। सबसे पहले कोई कंपनी है उस पर सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा देती है, ठीक है। दो तीन महीने बाद बीजेपी को वो डोनेशन देते हैं और डोनेशन देने के एकदम बाद सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की इंक्वायरी ठंडी हो जाती है। तो ये हुआ एक्सटॉर्शन। दूसरा तरीका, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं सड़क के, पुल के, अलग अलग देश में डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले एक दो महीना पहले वही कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लाइन में खड़ी है वो पैसा देती है और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मतलब डेट को देखना है। एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी होती है, उसके एकदम बाद कंपनी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को पैसा देती है और फिर सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का समय आता है उससे एकदम पहले वही कंपनी पैसा देती है और कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है। यह हुआ दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी कंपनी को और कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिया जाता है। और चौथा तरीका, शेल कंपनी बना रखी है, खोखली कंपनियां बना रखी हैं, उस कंपनी में से बीजेपी का अपना ही पैसा बीजेपी के हवाले हो जाता है। हजारों करोड़ रुपए ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से आपसे लिए। यह पैसा किसका है? जनता का, जीएसटी का पैसा है, सही बात। ये आपने शर्ट खरीदी, ये कितने की खरीदी आपने? 600 रुपए की शर्ट खरीदी। अगर यही शर्ट अदानी खरीदता, जीएसटी वो कितनी देता? आपकी जितनी देता। आप 18% दोगे, वो भी 18% देगा। आपकी आमदनी 40,000 रुपए, उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, जीएसटी एक। अब मैं आपसे दो तीन सवाल पूछता हूं। देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? नहीं, 85% नहीं है देश में। देखो, ये आपको मालूम होना चाहिए,
भैया ये रस्सी हटा दो, आ जाओ आप लोग। ये रस्सियां मोदी जी के लिए रखी है, मेरे लिए मत रखिए, मुझे कोई रस्सी की जरूरत नहीं है। भैया इस साइड वाली भी निकाल दो, ये मुझे रस्सी नहीं चाहिए। तो पिछड़े लोग कितने हैं दिल, अच्छा शांत हो जाए अब। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के लोग कितने, 50%। दलित कितने 15। आदिवासी कितने, 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने, 5। माइनॉरिटी कितने, 15। टोटल कितने हुए, 90%। भैया शांत हो जाए। तो 90% पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आबादी है। मुझे बताओ मीडिया में आपके कितने लोग, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो उसमें पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, मुझे दिखा दो, नाम दिखा दो आज। एक नहीं मिलेगा, एक नहीं है। उसके बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों की लिस्ट निकालो, उसमें मुझे दिखा दो दलित आदिवासी पिछड़ा कौन है, एक मालिक नहीं मिलेगा। सरकार को 90 लोग चलाते हैं, 90 IAS अफसर चलाते हैं, उसमें दिखा दो 90 में से पिछड़े कितने बताओ। 90 में से 3 पिछड़े हैं और उनको पीछे बैठा रखा है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे रखी है, छोटी छोटी मंत्रालय दे रखे हैं। सच्चाई यह है कि आपकी कहीं भागीदारी है ही नहीं। आपका काम, नरेंद्र मोदी जी आपको बताते हैं, प्रभु के गुण गाओ, आधी रोटी खाओ और मर जाओ, यह है मॉडल नरेंद्र मोदी वाला। प्रभु के गुण गाओ, आधी रोटी खाओ और मर जाओ। भागीदारी कहां आपकी, मुझे दिखाओ कहां है आपके लोग। मीडिया में नहीं है, सरकार में नहीं है, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मालिकों की लिस्ट निकालो, उधर नहीं है। मैं बताता हूं कहां है। ये जो पसीना है ना, इसमें जो खून पसीना लगा, इसके लोग मरे, वो लोग थे आप, वो थे 90%। तो हिंदुस्तान बन रहे 1 अरबपतियों का 5% का, उसमें जो सपना देखना है देखो पूरा कर लो, और 95% का गरीबों का, पिछड़ों का, उसमें कोई नहीं है भैया। प्रभु के गुण गाओ, आधी रोटी खाओ और फिर मर जाओ। आपका पैसा नरेंद्र मोदी 24 घंटा लूट रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट। यहाँ पे छोटे छोटे सड़कों पे हफ्ता चलता है ना, नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लेवल का हफ्ता किया है, इंटरनेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट चला है उसने। कभी आपसे कहता है भाइयों और बहनों उधर देखो, उधर देखो भैया, मीडिया आपको दिखाएगी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे बैठा हुआ पूजा कर रहा है और गाना बजा वहां पे बॉलीवुड के नाचोगे। फिर नरेंद्र मोदी सी लेने उठता हुआ देखेगा, फिर पानी के अंदर जाएगा, फिर आप चलेगा भाइयों और बहनों थाली बजाओ, कोरोना आ गया थाली बजाओ मर जाओ। हिंदुस्तान में 50 लाख लोग कोविड के कारण मरे हैं,
आपको पता तक नहीं लगा, आपका भाई मर गया, माता पिता मर गए, आज सब हिंदुस्तान की जनता को नहीं मालूम कोविड में कितने लोग मरे। मैं बताता हूं, 50 लाख कम से कम कोविड में मरे हैं। और जब कोविड हिंदुस्तान में लाशों की ढेर बना रहा था, तो वैक्सीन वाली कंपनी नहीं, वैक्सीन वाली कंपनी नरेंद्र मोदी को पैसा दे रहा था। एक तरफ आपकी लाशें, दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी, क्या नाम था उसका, सीरम इंस्टीट्यूट सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को करोड़ों रुपए पकड़ा रहा था। नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रहे, भैया थाली बजाओ, फोन जलाओ, आप थाली बजा रहे हो, आप फोन जला रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकाल कर पूना वाला सीधा बीजेपी को दे रहा है। कोविड में आपसे चोरी की, कोविड में कोवैक्सीन वैक्सीन से, सड़क से, डिफेंस इंडस्ट्री से लिस्ट निकली है भाई और बहनों, कंपनी की लिस्टें देख लो, हफ्ता लेता है, इंटरनेशनल लेवल का हफ्ता चल रहा है हिंदुस्तान में। और जो भी चू करता है ना, उसको अमित शाह सीबीआई ईडी ये डरा के चुप करा देता है। यहां पे आप, मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे शिवसेना को एनसीपी को तोड़ा कैसे ये? हाँ, मगर कैसे ये? क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलए भागे हैं, ये फ्री में भागे हैं क्या? इनको सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिट किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता लेते हैं और फिर महाराष्ट्र की सरकार तोड़ते हैं, गोवा की सरकार तोड़ते हैं, मणिपुर की सरकार तोड़ते हैं, अरुणाचल की तोड़ते हैं, ऐसा जहां भी इनको सरकार तोड़नी होती है। एक तरफ अमित शाह खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ अदानी खड़ा हो जाता है, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाता है, और फिर इनका काम 2 मिनट में शुरू हो जाता है। अच्छा, मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर का आपने प्रोग्राम तो देखा होगा, उसमें आपने कोई गरीब को देखा? एक था उसमें, एक किसान देखा आपने उसमें? एक मजदूर देखा? अदानी देखा? अंबानी देखा? हिंदुस्तान के अरबपति देखे? बॉलीवुड के स्टार्स देखे? क्रिकेट प्लेयर्स देखे? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, उसको एंट्री तक नहीं दी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को कहा गया, देखो तुम राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती हो, तुम्हारे लिए यहां पे कोई जगह नहीं है। आपने मंदिर में कोई दलित देखा? कोई पिछड़ा देखा? राष्ट्रपति नहीं था वो बेचारा, झारखंड का चीफ मिनिस्टर है, वो आदिवासी है, उसको तक नहीं जाने दिया, उसके पे कह दिया भैया तुम आदिवासी हो, तुम नहीं जा सकते इसमें। ये सिर्फ 2-3% लोगों के लिए है, इसमें सिर्फ अरबपति जा सकते हैं, इसमें नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, इसमें मोहन भागवत जा सकते हैं, इसमें चुने हुए चुनकर 1% के लोग जा सकते हैं, और कोई नहीं जा सकता।
अच्छा चलो अग्निवीर की बात करते हैं। अग्निवीर में इन्होंने कहा देखिए चार लोग आर्मी में आएंगे, ठीक है, चार लोग आएंगे तो तीन को लात मार के हम बाहर निकाल देंगे, राइट। अग्निवीर को ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली, अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। चाइना का जो जवान है उसको 5 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। मैंने यहां पे 6 महीने वाली ट्रेनिंग को बंदे को 5 साल वाले बंदे की ट्रेनिंग के सामने खड़ा कर दिया तो होगा क्या? 6 महीने वाला मर जाएगा। वो उस साइड से राइफल चलाएगा, ये इस साइड से राइफल चलाएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग इस साइड, 5 साल की ट्रेनिंग इस साइड, ये मर जाएगा। जब ये मरेगा तो हमारी सेना इससे कहेगी देखो तुम अग्निवीर हो, ये तुम्हारी जो लाश है, परिवार से कहेंगे ये जो लाश है इसको तुम उठा के ले जाओ, इसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, इसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। दो तरीके के शहीद बना दिए इन्होंने। अब मेन सवाल, आर्मी से निकाला कौन जाएगा? 90% आप लोग निकाले जाओगे, 1% को आर्मी में परमानेंट जगह मिलेगी, उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। और 95% मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनको कहा जाएगा ना तुम्हें शहीद का दर्जा मिलेगा, ना तुम्हें कैंटीन मिलेगी, ना तुम्हें पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो जो पहले आपका रास्ता था, अभी घूमता हूं भाई, जो पहले का रास्ता था वो बंद कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर में आपको जगह मिलती थी 90% को, अब पब्लिक सेक्टर को सारे के सारे को अदानी जी के हवाले कर दिया है। आप ट्रेन में जाओगे, रेलवे से पैसा अदानी ले जाएगा। आप सड़क पे चलोगे, पोल बूथ, टोलिंग बूथ, टोल बूथ से अदानी पैसा ले जाएगा। ये हमारा सिक्योरिटी वाला राइफल लेगा, अदानी का उसमें पास पैसा मिलेगा। आप बिजली का स्विच ऑन करोगे उसमें अदानी का हिस्सा मिलेगा। और ये अदानी है कौन? ये अदानी नरेंद्र मोदी है, ये एक ही चीज है, ये अदानी नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी अदानी है, मोदानी कह लो इसको, मोदानी। और देश में 24 घंटा जहां देखो अन्याय हो रहा है, किसके खिलाफ? आपके खिलाफ। 90% लोकतंत्र के सिस्टम को उठा के ले गए। आप किसी को वोट देते हो, वोट किसी और को चला जाता है। आप किसी को चुनते हो, आप एमएलए चुनते हो, वो एमएलए किसी और का बन जाता है। तो ये हो रहा है, इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है। और हम जनता के बीच में गए, जनता के बीच में आए हैं, और आपने हमें इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आप लोगों ने खोल दी। तो इसके लिए, सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए आपसे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।